आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम विंड. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स. में पहले एक पैसेज लाइन दी है कि विंड जो है बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, तो हम कैसे बन सकते हैं. तो इस पोयम में पता पड़ेगा कि हम विंड को फ्रेंड कैसे बना सकते हैं. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ. They have looked what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. तो पोएट जो विंड से कह रहा है कि आप सॉफ्टली आइए, धीरे से आइए, शटर्स को ब्रेक मत कीजिए, विंड को विंड मत, जो विंडोज हैं उनको ब्रेक मत कीजिए, पेपर्स को स्कैटर मत कीजिए, और जो बुक्स रखी हैं शेल्फ पे वो भी मत गिराएं. पर विंड ये सब नहीं मानती, वो सारी चीज़ें नीचे गिरा देती है, वो पेजेस को फाड़ देती है जो बुक्स के, और रेन साथ में आ जाती है. You are very clever at poking fun at weak links, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. अब वो poet जो है wind से कह रहा है कि तुम्हें बड़ा ही मजा आता है weak links को, मतलब जो कमजोर है उनको poke करने में, उनके मजे लेने में. जो क्रम्बलिंग हाउसेज हैं, जर्जर हाउसेज हैं, डोर्स हैं, राफ्टर्स हैं, राफ्टर्स मतलब बड़े बड़े लकड़ी के जो पट्टे होते हैं जो सड़ चुके हैं, क्रम्बलिंग इसलिए उन्हें बोला जा रहा है. वुड बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, जो लोग हवा से डरते हैं कि कहीं तेज़ हवा आई तो हमारी लाइफ्स का क्या होगा, क्योंकि हम ऐसे घरों में रह रहे हैं जिन जो हवा से टूट सकते हैं ज़्यादा तेज़ हवा से, उनके हार्ट्स जो हैं वो भी थरथरा रहे हैं इस हवा से. और पोएट बोलता है विंड गॉड जो हैं वो इन सब को क्रश कर देते हैं, विनो कर देते हैं, मतलब कचड़े की तरह उड़ा देते हैं, और जो हम उनसे बोलते हैं वो तो वो कभी भी नहीं करने वाले. तो क्या करें वो भी आगे पोएट बताता है. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day. तो वो क्या बोल रहा है कि अब हम जो houses बनाए, जो homes बनाए वो strong बनाए, जो doors बनाए उन्हें firmly लगाएं, उन्हें भी strongly लगाएं, और हमारी body को, हमारे heart को भी हम firm बनाएं, strong बनाएं, और ये करने से जो wind है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, क्योंकि विंड जो है वीक फायर्स को तो ब्लो कर देती है, पर जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं, जो बिग फायर्स होती हैं, उन्हें वो और बढ़ाती है, उन्हें और वो फ्लॉरिश करती है. तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, मतलब विंड की फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी है, और हम उसे हर रोज़ प्रेज़ करते हैं. सो दिस वॉज अवर पोएम. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी.